हाँ तो यार, तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मांगा के बारे में। आज इस वीडियो में बेसिकली हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 81 की प्रेडिक्शंस। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, चैप्टर नंबर 81 हम सब लोगों ने देख लिया है, और चैप्टर नंबर 81 देखने के बाद जो सबसे पहला क्वेश्चन हम सब लोग के माइंड में आता है वो यही है कि गैस को अब कौन हराएगा, बिकॉज ग्रैनुला वर्सेस गैस की फाइट अभी खत्म हो चुकी है। अभी उनका एक और राउंड होना काइंड ऑफ इम्पॉसिबल ही है। एंड चैप्टर नंबर 80 के अंदर हम लोग ने ये चीज भी देखी कि वेजिटा को तो बिना बात में मार पड़ गई। मतलब यार, वो तो गैस से लड़ भी नहीं रहा था, वो तो आराम से फाइट देख रहा था उन दोनों की, लेकिन बिना बात में गैस आया और उसने वेजिटा को फेल दिया। तो गैस, ना तो ग्रैनुला लड़ने वाला है अगले चैप्टर में गैस से, और ना ही लड़ने वाला है वेजिटा। तो गैस बचा कौन? बचा गोकू। अभी गोकू ही लड़ेगा गैस से। तो गैस पहली प्रेडिक्शन हमारी यही होने वाली है कि जो चैप्टर की स्टार्टिंग होगी वो होगी गोकू वर्सेस गैस की फाइट से, बिकॉज और कोई ऑप्शन है ही नहीं। जैसे कि मैंने पहले बता दिया, ग्रैनुला डाउन है, ग्रैनुला को एक और राउंड होना इम्पॉसिबल टाइप ही है, और वेजिटा को तो बिना बात में ही पड़ गई। तो गैस जो चैप्टर की स्टार्टिंग होने वाली है वो होने वाली है गोकू वर्सेस गैस की फाइट से। अभी आप सब लोग ये बात सोच रहे होंगे कि क्या गोकू ने इतना ज्यादा स्टेमिना रिकवर कर लिया है कि वो गैस से फाइट कर सके। तो गैस दूसरी प्रेडिक्शन के बारे में इसी टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि गोकू ने अपना कितना स्टेमिना रिकवर कर लिया होगा अभी तक, और वो अपनी किस फॉर्म के साथ फाइट करने वाला है गैस से अगले चैप्टर में। तो गैस चैप्टर को देखने के बाद तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि गोकू और वेजिटा ने ज्यादा अपना स्टेमिना रिकवर किया होगा, और यहाँ पर जो वेजिटा का स्टेमिना था वो तो बिल्कुल 0% हो चुका है। गैस ने उसको काफी ज्यादा मारा है। एंड गोकू ने जितना भी अपना स्टेमिना रिकवर किया होगा वो होगा लाइक 20-30%, लेकिन 20-30% स्टेमिना क्या इनफ होगा गैस की इस फॉर्म को हराने के लिए? एंड 20-30% स्टेमिना रिटेन करने के बाद गोकू सुपर सियन गॉड या फिर सुपर सियन ब्लू में ही ट्रांसफॉर्म हो पाएगा? लेकिन जितनी पावर हम लोग ने देखी है गैस की पिछले चैप्टर में, सुपर सियन गॉड या सुपर सियन ब्लू इनफ नहीं होगा उसको हराने के लिए। तो गाइस गोकू ने कितना भी स्टेमिना रिटेन किया हो ये एक अलग बात होगी, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग को यूआई देखने के लिए मिलने वाली है। हम लोग को देखने के लिए मिलने वाला है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू, बिकॉज और कोई ऑप्शन है ही नहीं। अगर गोकू को गैस के सामने टिकना है तो उसको यूआई यूज करनी ही होगी, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज करनी ही होगी। और ये बात हम सब लोग ने देखी है कि गोकू कम स्टेमिना पर भी यूआई अटेन कर लेता है। तो गाइस अगले चैप्टर में होपफुली यूआई गोकू वर्सेस गैस की फाइट हम लोग को देखने के लिए मिल सकती है। अब गाइस तीसरी प्रेडिक्शन में हम लोग बात करने वाले हैं बारडॉक के बारे में। तो गाइस गोकू वर्सेस गैस की फाइट होने वाली है अगले चैप्टर में, और जब इन दोनों की फाइट होगी तो यार ये म्यूट होकर तो फाइट नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ एक दूसरे को बोल के ही फाइट करेंगे। एंड ये काफी ऑब्वियस बात है कि गैस जो है भड़ास निकालने वाला है गोकू के ऊपर, बिकॉज गोकू जो है बारडॉक का बेटा है। गोकू और बारडॉक का फेस जो है काफी ज्यादा मिलता जुलता है, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो गैस होने वाला है वो काफी सारी बातें रिवील करने वाला है। उसके और बारडॉक के बीच में जो फाइट होती है उस दौरान जो जो बातें हुई थी वो काफी सारी बातें रिवील करेगा, वो काफी सारी बातें गोकू को बताएगा। एंड हो सकता है गैस ये चीज भी रिवील कर दे कि कैसे बारडॉक ने उसको हराया था 40 साल पहले, और ये बात जो है गोकू समझ जाए कि अच्छा इस तरह से जो है बारडॉक ने हराया था गैस को। तो गैस ये चीज तो कंफर्म ही है कि हम लोग को अगले चैप्टर में बारडॉक के बारे में और पता लग सकता है, बिकॉज जब गोकू वर्सेस गैस की फाइट होगी तो वहां पर जो गैस है वो काफी सारी बातें बताएगा 40 साल पहले क्या हुआ था, बारडॉक वर्सेस गैस की फाइट कैसी रही थी। तो गैस चौथी प्रेडिक्शन में हम लोग बात करने वाले हैं वेजिटा के बारे में। जब गोकू वर्सेस गैस की फाइट हो रही होगी क्या वेजिटा बीच में फाइट को ज्वाइन करेगा? तो गैस ये चीज तो सिचुएशन पर डिपेंड करती है चैप्टर किस तरह से चलता है। अगर गोकू गैस के सामने ज्यादा नहीं टिक पाता तो वेजिटा को ज्वाइन होना ही पड़ेगा, और गोकू और वेजिटा साथ में मिलकर गैस से फाइट करेंगे। बट गैस बात ये भी है कि जितना भी स्टेमिना वेजिटा ने रिटेन किया था वो सारा का सारा स्टेमिना जो है उसका जा चुका है, उसका स्टेमिना 0% हो चुका है, बिकॉज उसको बिना बात की मार पड़ चुकी है गैस से। तो क्या वेजिटा के पास इतना ज्यादा स्टेमिना रहेगा कि वो गोकू वर्सेस गैस की फाइट के अंदर ज्वाइन कर पाए? एंड गैस यहाँ पर जो है मोनाइटो का भी थोड़ा बहुत रोल हम लोग को देखने के मिल सकता है। हो सकता है कि मोनाइटो थोड़ा बहुत किल कर दे वेजिटा को, एंड देन वेजिटा गैस वर्सेस गोकू की फाइट में जाके ज्वाइन हो जाए और वो गोकू की हेल्प करे, जिससे गोकू एंड वेजिटा साथ में फाइट करे गैस से। तो गैस यही कुछ प्रिडिक्शन थी चैप्टर नंबर 81 से रिलेटेड, और जितना मुझे लगता है चैप्टर कुछ इस तरह से होने वाला है कि सबसे पहले गोकू वर्सेस गैस की फाइट होगी, उनकी फाइट जो है काफी ज्यादा हीट अप हो जाएगी, गोकू को काफी सारी बातें जानने के लिए मिलेंगे उसके फादर बारडॉक के बारे में। देन जो है जब चैप्टर 70-80% खत्म हो चुका होगा, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे गोकू के पास ज्यादा स्टेमिना नहीं बचा होगा, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई गेस वेजिटा आएगा और वो जो है फाइट को ज्वाइन कर लेगा। तो गैस ये तो बात होगी प्रिडिक्शन के बारे में और मेरे ओपिनियन के बारे में कि मुझे क्या लगता है चैप्टर नंबर 81 में क्या क्या हो सकता है। एंड गैस फैंडम में एक बात काफी ज्यादा फैल रही थी कि क्या चैप्टर नंबर 81 के अंदर हम लोग को गोजिटा देखने के लिए मिल सकता है, अल्ट्रा ईगो या फिर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोजिटा हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है। तो गैस शायद मैं इस टॉपिक पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, लेकिन अभी मैं इतना बता सकता हूं आप लोग को कि चैप्टर नंबर 81 में गोजिटा हम लोग को देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसके काफी सारे रीजन है, एंड उन रीजन में से सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि गोकू और वेजिटा को फ्यूजन करने के लिए थोड़ा बहुत टाइम चाहिए रहता है। तो क्या गैस उनको इतना टाइम देगा कि वो लोग फ्यूजन कर सके? एंड क्या गोकू और वेजिटा इस पोजिशन में है अभी कि वो फ्यूजन कर सकते हैं? आई मीन गोकू तो अभी मतलब उठा हुआ है, लेकिन वेजिटा तो अभी डाउन है। एंड ऐसे ही काफी सारे रीजन है जो कि इस तरफ इशारा करते हैं कि चैप्टर नंबर 81 के अंदर हम लोग को गोजिटा देखने के लिए नहीं मिलने वाला, और उसके बाद देखने के लिए मिलेगा या फिर नहीं उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा। बाकी गाइस आप सब लोग के जो ओपिनियन है चैप्टर नंबर 81 से रिलेटेड आप लोग मेरे को बता सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर। एंड आपके मन में कोई भी टॉपिक हो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हो, बस वो जो टॉपिक है वो मांगा से रिलेटेड होना चाहिए। अच्छी वीडियो बस नहीं गाइस, आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बी गुड गाइस।